हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज स्पेशल वीडियो है लाइव सुगर केन मशीन विथ चिलिंग सिस्टम। ठंडा और एकदम चिल और ठंडा सुगर केन का जूस विदाउट बर्फ और पानी डाले बिना नेचुरल और फ्रेश जूस। तो वीडियो में पूरी मशीन को आप देखिए, क्या मशीन में फंक्शन है और क्या क्या सुविधा है। पूरी मशीन क्लीनिटी वाली और मशीन है और 2022 का सबसे लेटेस्ट मॉडल एडवांस फंक्शन वाली मशीन है। मशीन में क्या क्या खासियत है, मशीन में 1 किलो गन्ना डालने से कितना जूस निकलता है, कैसे ठंडा होकर निकलता है, क्या फंक्शन है, वीडियो में हम पूरी जानकारी पूरी डिटेल्स देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप बने रहे, जिससे आपको डिटेल्स मिले मशीन के बारे में कि कैसी मशीन होती है, कैसे फंक्शन होते हैं मशीन और मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है। तो चलिए दोस्तों, टाइम गवाए बिना हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनी गई है, कहीं पे लोहा या एमएस यूज हमने नहीं किया दोस्तों। यहां पे इसका कूलिंग सिस्टम हमने दिया गया है, जिसके अंदर चिल्ड और ठंडा कूलिंग होता है। पूरा दिन अगर आप चलाते हो तो 4 से 5 यूनिट तक पावर मशीन खाती है। यहां पे आप टेम्परेचर देख सकते हैं, 1.8 का टेम्परेचर है, इसलिए 1.8 2 का टेम्परेचर है अभी मशीन के अंदर। 2 के टेम्परेचर का जूस मशीन के अंदर से निकलने वाला है, ठंडा और चिल्ड। मशीन यहाँ पे 1 सेटअप बनाई गई है, पूरा गन्ना आपको यहाँ से डालना है, उसका कचरा वेस्टेज नीचे होके पीछे डस्टबिन में चला जाएगा। नीचे डस्टबिन बॉक्स दिया है हमने, यहाँ पे कचरा चला जाएगा दोस्तों। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर हमने यहाँ पे काउंटिंग सिस्टम दे दिया है। कस्टमर को काउंटिंग मीटर चाहिए था कि कितना ग्लास कौन सा फ्लेवर का, कितना ग्लास सुगर केन का निकला है मशीन के अंदर से, वो काउंट होना चाहिए। ऑलरेडी 22 ग्लास हमने निकाल चुके हैं। यहाँ पे मेजरमेंट का है, कितना ml का आपको ग्लास निकालना है, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 600 ml, लीटर, 1.25 लीटर, कितना निकलना है, 1 टाइम यहाँ पे सेट करना है और ये बटन दबाने से जूस आपका निकल के बाहर आएगा मशीन के अंदर से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चला के दिखाता हूँ कैसे मशीन चलानी है आपको। सबसे पहले नॉर्मल गन्ना हमारे हाथ में, यहाँ से मशीन का बटन है, उससे मशीन स्टार्ट करेंगे। ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम इसमें गन्ना डालेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गन्ना लगा दिया हमने, लगा के छोड़ देना है, सीधा जूस होके नीचे चला जाएगा इसमें। ये सीधा गन्ना हमने यहाँ लगा दिया और सीधा यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे इसका गन्नी और छन्नी दिया गया है, जिसके अंदर पूरा गल के जूस नीचे की तरफ जाएगा। ये गन्ना पीसिंग हो चुका है, अभी इसमें से हम, कोई कस्टमर अगर ठंडे बिना का बर्फ का मांगता है तो यहाँ से आप नेचुरल उसको जूस दे सकते हो, गर्म जूस। ये ठंडे बिना का जूस है, आप देख सकते हैं, ठंडा नॉर्मल जूस है, एकदम ग्रीन और हरियाली कलर का है, देखिए जरा भी ब्लैक कलर नहीं हुआ इसमें। उसके बाद एक और हम गन्ना डालेंगे इसके अंदर मशीन में से, आप देख सकते हैं हमने गन्ना लगा दिया इसमें। गन्ना लगा के आपको छोड़ देना है, रुकना नहीं है दोस्तों इसमें। उसके बाद अगर कोई कस्टमर चील और ठंडा मांगता है एकदम, तो उसके लिए हमने मशीन के अंदर सप्लाईशन लाइन दिया है। ये गन्ना निकल के हो गया, अभी इसके अंदर हम यहाँ से ऑटोमेटिक सेटिंग से ml वाइज निकालेंगे इसमें से। यहाँ पे हम ग्लास को रखेंगे और यहाँ पे 22 है, ये बटन दबाने से 23 ग्लास हो जाएगा और यहाँ पे हमने सेटिंग दिया गया और यहाँ से ग्लास निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट हो चुका है, देखिए अब ये 23 हो चुका है। यहाँ पे जितना हुआ है उतना ऑटोमेटिक निकल के बंद हो गया है, ग्लास भर गया है, काउंटिंग हो गया। ये ग्लास का हमने सेटिंग किया गया है, अभी सेम ग्लास दूसरा हम निकालेंगे इसमें से, फ्रेश और क्लीन जूस एकदम। 24 हो चुका है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप देखिए एकदम चिल्ड और ठंडा, यहाँ पे छारी जम रहा है पूरा, देखिए पूरा बर्फ का। इसके नल है, यहाँ पे भी छारी जम रहा है, देखिए पूरा ये नल है पूरा, यहाँ पे पूरा छारी जम रहा है, क्योंकि एकदम चिल्ड और ठंडा जूस मशीन के अंदर से निकल रहा है दोस्तों। बेहतरीन क्वालिटी का जूस आ रहा है इसमें से। अभी इसमें से हम डस्टबिन की बात करें, डस्टबिन बॉक्स से जो कचरा अभी हमने गन्ना डाला, उसका जो कचरा है वो कहाँ गया, ये कचरा इसका इसके अंदर है, देखिए। ये गन्ने का हाल देखिए क्या होकर कर दिया है दोस्तों, इसमें एकदम चूरा कर दिया, दोबारा डालने लायक नहीं है जरा भी गन्ना, ये देखिए पूरा एकदम चूरा निकला है मशीन के अंदर से। बेहतरीन क्वालिटी का क्रशिंग करके और पूरा हमने डिब्बा भी स्टेनलेस स्टील से बना के दिया है कस्टमर को, प्लस यहाँ पे हमने हैवी ड्यूटी व्हील्स लगा के दिए। आप देखिए व्हील का क्वालिटी देखिए, इस तरह का व्हील्स कोई यूज नहीं करता है बाजार में, पूरा हैवी ड्यूटी व्हील लगा के दिया हमने कस्टमर को, आप देख सकते हैं पूरा। और दोस्तों दूसरे नंबर में जो मशीन है वो लाइव कूलिंग वाली है, लाइव लाइव मतलब जो गन्ना आपने डाला उसका ही जूस निकाल के ठंडा और चिल्ड करके देती है। मशीन के अंदर 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर स्टोर नहीं होता है, क्योंकि अगर स्टोर होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, काला निकलेगा, इस तरह का हरा जूस नहीं निकलेगा, ये ग्रीन कलर है।
ऐसा ग्रीन नहीं निकलेगा, फिर ब्लैक कलर का जो आधे घंटे बाद एक घंटे बाद कलर चेंज हो जाता है, तो वैसे कलर का जूस मशीन के अंदर से निकलेगा दोस्तों। मशीन का आपको साइड लुक और बैक लुक मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का लुक है, रखे दिया मैं। मशीन का दूसरी साइड का लुक मैं आपको मशीन घुमा के इसको मूवमेंट करके बता देता हूँ, ये आसानी से मूवमेंट हो जाएगी, मशीन देख सकते हैं पूरी, ये पूरी आसानी से मूवमेंट कर सकते हो आप मशीन को, वर्किंग कंडीशन में ही मूवमेंट कर सकते हो आप, देखिए। ये फ्रंट लुक है मशीन का, आगे का लुक है जहां पे कस्टमर खड़ा रहेगा आपके, वहां पे आप उसको बिजनेस करके यहाँ से गन्ना डाल के लाइव टू लाइव जूस देके सप्लाई करते रहेंगे मार्केट में दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स के लिए डॉल्फिन एप्लायंस में एक बार आप जरूर कॉन्टेक्ट करें, जिससे आपको मशीन के बारे में ज्यादा डिटेल, ज्यादा प्राइसिंग डिटेल मिले, मशीन में डिस्काउंट क्या चल रहा है, ऑफर क्या चल रहा है, हर एक जानकारी हमारी कंपनी सेल्स टीम आपको हर एक जानकारी डिटेल देंगी। हमारी सेल्स टीम को कैसे कॉन्टेक्ट करना है, नीचे वीडियो में हमारे नंबर शो कर रहे हैं, वहां से आप मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक कॉल करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन आप ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।